हे गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, यानी हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है इसके क्या क्या स्कोप होते हैं फार्मेसी के अंदर, इनको फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। गाइस, इससे पहले हमने आपकी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी डिफार्मा सेकंड ईयर की अकॉर्डिंग टू न्यूज लेवल। तो इसमें यूनिट फर्स्ट का हमने वन वीडियो लेक्चर पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, साथ में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को फुल डिटेल्स में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसको इजिली वॉच कर सकते हैं। साथ ही में इसकी लिंक आपको हमारे बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे समझ लेते हैं हमारे जो स्कोप होते हैं इसका मींस यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री का इन फ्यूचर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में या फार्मेसी में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, यही क्या होते हैं हमारे स्कोप होते हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो यहाँ पे हमारे वेरियस स्कोप होते हैं बायोकेमिस्ट्री के, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे 5 स्कोप लिखे हुए हैं, देन साथ में और भी हमारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन इतने ही आपके लिए यहाँ पे इनफ हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें किस तरह से हम यूज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का, उसमें जो ड्रग की हमारी हाफ लाइफ होती है उसमें किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, फोर्थ हमारे जो ड्रग की स्टोरेज होती है, रख रखाव होता है, उसमें किस तरह से हम यूज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी जो हमारी ड्रग होती है वो मेटाबॉलिज्म में किस तरह से रोल अदा करती है जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है, तो यहाँ पे फुल डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। दिस टेस्ट हेल्प फिक्स द स्पेसिफिक हाफ लाइफ और डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स। तो हमारे जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं ये हमारे किए जाते हैं फिक्स करने के लिए किसी भी ड्रग्स की हाफ लाइफ को, साथ में उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी। तो क्या होता है, जब हमारी कोई भी ड्रग्स होती है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर की जाती है, तो क्या होता है उसकी जो हाफ लाइफ होती है उसको एक तरह से फिक्स किया जाता है कि भाई ये इतने टाइम तक के लिए वैलिड रहेगी, एक तरह से एक्टिव फॉर्म में रहेगी, जिससे जो ड्रग्स है हमारी वो अच्छे से इफेक्ट कर सके ह्यूमन बॉडी में। आपने देखा है ना, जब हम ड्रग लेते हैं, कोई भी टेबलेट्स वगैरह लेते हैं, हम देख लेते हैं उसकी जो डेट है वो एक्सपायरी तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है तो क्या होता है आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकती है, क्योंकि क्या होता है ड्रग स्टेबल फॉर्म में नहीं रहती, देन थोड़ी वो स्टेबल फॉर्म में भी रहेगी तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है, एक तरह से इफेक्ट उसका आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होते हैं हमारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से किए जाते हैं। देन चलिए सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं दी हाफ लाइफ। दिस इज अ टेस्ट। तो ये क्या होता है, हमारा एक टेस्ट होता है डन ऑन बायोकेमिकल ड्रग्स, जो बायोकेमिकल ड्रग्स के ऊपर होता है एक तरह से डन किया जाता है, टू नो, जानने के लिए हाउ लॉन्ग ए ड्रग, जो हमारी ड्रग होती है वो लॉन्ग टाइम तक, कितने टाइम तक यहाँ पे स्टेबल रह सकती है, व्हेन कीप्ड एट सो एंड सो टेम्परेचर। तो सीधा सीधा अगर हम कहें, जो हमारी ड्रग होती है जिसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो कितने ज़्यादा टाइम तक और कितने ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या रह सकती है, वो स्टेबल रह सकती है, इस चीज़ का पता करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से दी हाफ लाइफ टेस्ट करते हैं। क्योंकि आपने देखा है ना, कभी सुना होगा आपने कि ये जो हमारी टेबलेट है इसको हम क्या करेंगे, भाई फ्रीज में रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है, देन कुछ हमारी ऐसी होती है जो बिना फ्रीज के भी क्या होता है अपनी स्टेबल फॉर्म में रहती हैं। तो यही सब पता करने के लिए क्या करते हैं उस ड्रग्स की हाफ लाइफ का हम टेस्ट करते हैं, जो हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्रग कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमारे जो बायोकेमिस्ट्री होते हैं गिवन आइडिया, हमें एक आइडिया देती है किस तरह से हम ड्रग का कॉन्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। साथ ही में क्या होता है, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है इसके हेल्प से हम पता करते हैं जो हमारी ड्रग्स होती है उसके कितने चांसेस होते हैं डिग्रेडेशन के वेरिंग टेम्परेचर पे, यानी उसमें जो ड्रग की स्टेबिलिटी है एक तरह से उसमें कितने टेम्परेचर पे हमारी गिरावट आ सकती है, ये हम इसके अंदर पता करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं हाउ मॉडिफिकेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से हम पता करते हैं जो हमारी क्या होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, जो आपको डीफार्म में तो पढ़ने को नहीं मिलेगी लेकिन हमें बीफार्म में पढ़ने को मिलती है। क्या होता है, इसके अंदर सारी हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, जिसके अलावा आपके फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, जो आपकी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है एक तरह से किस कैसे हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ पे जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है हेल्प करती है इम्प्रूव करने के लिए इफिकेसी, कोई भी हमारी ड्रग्स होती है इफिकेसी यानी उसका इफेक्ट को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस जो हमारी ड्रग्स से क्या कर सकते हैं हमारे जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमें पता चलता है यहाँ पे फार्मेसी के अंदर बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से। चलिए फोर्थ यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्रग स्टोरेज। द स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड कैन बी एस्टिमेटेड बाय द बायोकेमिकल टेस्ट। तो जब हमारे ड्रग्स जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो क्या होता है उनका एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती है जो फ्रीजर वगैरह में रखी जाती है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर क्या होती है वो ख़राब हो जाती है, एक तरह से उनकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, और कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सही रहती है ख़राब नहीं होती, कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती है जो थोड़े हाई टेम्परेचर की प्रेजेंट माने पर क्या होता है ख़राब हो जाती है। तो कोई भी हमारी ड्रग्स होती है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं या उसको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्रग कितने टेम्परेचर के लिए मतलब बनाई गई, एक तरह से
अपनी स्टेबल फॉर्म में रह सकती है। तो इसको हम एस्टिमेटेड करते हैं, एक तरह से भाई अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ये हम किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पे बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू, जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था। फॉर एग्जांपल थोड़े से यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एंजाइम्स, हमारे बहुत ही टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, जिनको हम स्टोर करते हैं डिस्पेंसिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं। दीज गेट डिटोरिनेटेड ओवर टाइम ड्यू टू टेम्परेचर और ऑक्सीडेशन कंटामिनेशन एंड आल्सो ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। तो इसका सीधा सीधा मीन्स यहाँ पे ये निकलता है, क्या होती है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं वो एक तरह से ख़राब हो सकती हैं, डिटोरिएटेड हो सकती हैं। अभी कैसे हो सकती हैं, जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ओवर हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, या टेम्परेचर हमारा यहाँ पे मेंटेन ना रहे। साथ ही में अगर किसी ड्रग्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो ख़राब हो, या उसमें कंटामिनेशन हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो में क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी जितनी स्टोरेज पर हमें उसको रखना था उस पर हमने उसको नहीं रखा। इस वजह से क्या होती है, हमारी कुछ जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती है वो स्टेबल फॉर्म में तो रहती है, लेकिन वो ख़राब हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में इफेक्ट की जगह क्या करती है, साइड इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये आपका क्या होता है, ड्रग स्टोरेज होता है। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम पता करते हैं बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से जो हमारी ड्रग्स होती है उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से अच्छा हो सकता है, या किस तरह से उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। इट आल्सो गिव एन आइडिया। तो हमारी क्या होती है, जो बायोकेमिस्ट्री होती है हमें एक आइडिया देती है, हाउ ड्रग मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यानी क्या होती है, हमारी जो ड्रग्स होती है जब हम जिसको क्या करते हैं, हम एडमिनिस्टर करते हैं अपनी बॉडी में, तो क्या होता है, उसको मेटाबोलाइज वहाँ पे होना होता है। जैसे कि जितनी भी हम ओरली ड्रग्स खाते हैं वो मेटाबोलाइज होती हैं, ये सीधी हमारी जीआईटी में मेटाबोलाइज हो सकती है। साथ ही में ये हमारी मोस्टली जो ड्रग्स देखी जाती हैं वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है, जिनका मेटाबोलिज्म वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से। साथ में क्या होता है, हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो वो सारी किसकी प्रेजेंस में होती है, यहाँ पे एंजाइम्स की प्रेजेंट में। तो किस तरह से उन रिएक्शंस को मेटाबोलाइज किया जाता है या इंक्रीज किया जा सकता है, ये हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। टू अवॉइड ड्रग विच हैव ए पुअर मेटाबॉलिज्म। तो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है इसके हेल्प से क्या करते हैं, हमारे जो कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनकी जो मेटाबॉलिज्म एक तरह से होता है वो पुअर होता है। अब मेटाबॉलिज्म अगर पुअर होगा किसी भी ड्रग्स का, अगर वो अच्छे से मेटाबॉलाइज आपकी नहीं हो रही है, तो जो आगे की प्रोसेस है वो आपकी अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वहाँ पे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स जिनका पुअर है उसको भी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही में जो मेटाबॉलिज्म की हमारी प्रोसेस होती है एक तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसको भी यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से। तो गाइस आपको पूरे वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।